नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी गिरफ्तार। 19 सितंबर 24 की सुबह करीब 10:30 पर फरियादी साहिब लाल उसके घर ग्राम चिकलीकला चौकी दुनावा के सामने आंगन में बैठा था। हंसलाल तुमडाम भी उसके घर के सामने बैठा था। तभी हंसलाल का बेटा गुड्डू उर्फ रामकिशोर तुमडाम उसके घर के अंदर से बाहर निकलकर आया और उसके पिता हंसलाल से पैसे मांगने की बात पर से उसके पिता हंसलाल को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा और हंसलाल को पकड़कर उसके घर के अंदर ले गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। हंसलाल के घर से उसकी चीख पुकार की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद हंसलाल की आवाज बंद हो गई। फिर हंसलाल तुमडाम की बेटी रामरति धुर्वे ने हंसलाल के घर पर जाकर देखा तो उसने बताया कि उसके पिता हंसलाल के सिर से खून निकल रहा है और उसका भाई रामकिशोर उर्फ गुड्डू लकड़ी का बैट बल्ला और बांस का टूटा हुआ डंडा लेकर खड़ा है। उसके पिता की सांस नहीं चल रही है, उसकी मृत्यु हो गई है। रामकिशोर मौके से उसकी बहन को देखकर भाग गया। रामकिशोर तुमडाम ने उसके पिता हंसलाल तुमडाम को लकड़ी के बैट बल्ले और बांस के डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल झारिया द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को घटनास्थल का निरीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर प्रभारी सीन ऑफ क्राइम निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाकर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। घटनास्थल निरीक्षण उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी मुलताई रवाना किया गया। कार्यवाही का विवरण। फरियादी साहिब लाल सिरसाम निवासी ग्राम चिखलीकला थाना मुलताई की रिपोर्ट पर थाना मुलताई जिला बैतूल में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी मुलताई राजेश सातनकर द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रामकिशोर की तलाश की गई, जो ग्राम चिखलीकला में मिला, जिसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया एवं आरोपी रामकिशोर से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का बल्ला, बांस के डंडे और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। आरोपी को भेजा गया जेल। आरोपी रामकिशोर तुमडाम के द्वारा अपराध धारा का जुर्म बखूबी घटित करना पाए जाने से उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रभारी निरीक्षक राजेश सातनकर, प्रभारी सीन ऑफ क्राइम निरीक्षक आबिद अंसारी, उप निरीक्षक नीरज खरे, सहायक उप निरीक्षक रणधीर सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक दिनेश बर्डे, आरक्षक अभिषेक वाडेवा, नरेश तुमडाम, सैनिक दीपक रघुवंशी, सैनिक अर्जुन रघुवंशी की मुख्य भूमिका रही है। संवाददाता युवराज पोर्टफोड़े की रिपोर्ट।